देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 7 जनवरी 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 4213 नए मामले, मौतें 1 और 860 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 14346 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 15421 नए मामले सामने आए हैं, 7343 रिकवरी हुई है, 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 41101 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2379 नए कोविड 19 मामले, 121 रिकवरी और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 6687 हैं। नंबर चार, हरियाणा में 2678 नए कोरोना के मामले, 801 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 7935 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1913 नए मामले सामने आए हैं, 232 रिकवरी हुई हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 7847 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 844 नए मामले सामने आए हैं, 132 रिकवरी हुई हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 4036 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 5031 नए मामले सामने आए हैं, 271 मरीज ठीक हुए हैं और 1 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 22202 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 630 नए कोरोना के मामले, 202 रिकवरी दर्ज की गई हैं, इस दौरान 3 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1425 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 6983 नए मामले सामने हैं, 721 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 22828 हैं। नंबर 10, पांडुचेरी में आज 129 नए कोरोना के मामले और 8 रिकवरी दर्ज की गई हैं और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 399 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 971 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं, कोरोना से 74 लोग ठीक हुए हैं, 2 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 4613 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 547 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 128 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2266 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2656 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 404 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 7268 हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 4649 नए मामले सामने हैं, 2180 रिकवरी हुई हैं, 251 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 25855 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1033 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं, 102 ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 2475 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 3704 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 435 लोग कोरोना से ठीक हुए और कोरोना से 5 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 14255 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 498 नए मामले सामने आए हैं, 59 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1655 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 316 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 2379 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 289 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 2 मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 5786 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1897 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 204 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 5588 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 359 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36265 नए मामले सामने आए हैं, 8907 रिकवरी हुई हैं और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 118549 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3114 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 8224 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 15097 नए कोरोना के वायरस के मामले सामने आए हैं, 6900 रिकवरी और कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 31498 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 103 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 331 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 17 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 979 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 349 नए कोरोना के मामले, 116 रिकवरी हुई हैं, 3 मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2049 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 212 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 579 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 133 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 3018 हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 117,100 नए केस सामने आए हैं, वहीं 302 लोगों की मौत हो गई है।
देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,007 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।